संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थम ही नहीं रहा है। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है बल्कि यह लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। बुधवार को विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में कहा गया कि सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है, ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।